रामपुर के इस अस्पताल में जैसे ही अधिकारियों की टीम पहुंची तो वहीं मरीजों ने तना तना की सीएमएस और अस्पताल के डॉक्टरों को लेकर शिकायतें अधिकारियों से कर दी। दरअसल जैसे ही अधिकारियों की अस्पताल पहुंचने की भनक सीएमएस को लगी तो सीएमएस मित्रा भी मौके पर भाग कर पहुंचे, तो वहीं मौजूद अधिकारियों ने डॉक्टरों के ड्यूटी रजिस्टर भी चेक किए। दरअसल हर वार्ड में जाकर मरीजों के हालचाल भी अधिकारियों ने जाने। तना तना की मरीजों के तीमारदार और मरीजों ने शिकायतें की कि दवाई देने में परेशानी हो रही है और डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। इस बात को लेकर भी अधिकारियों ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की, तो वहीं मौके पर पहुंची समाजसेवी नजराना बेगम ने भी सीएमएस के सामने और अधिकारियों से कह दिया कि मुझे पट्टी इसी अस्पताल से बैंडेज नहीं दी गई। तो वहीं पहले से मरीज और तीमारदारों ने जो शिकायतें अधिकारियों से की थी उस बात को लेकर सीएमएस मित्रा परेशान थे, तो वहीं नजराना बेगम की शिकायत के बाद सीएमएस के माथे पर पसीना आ गया और ना कुछ देखते हुए सीधे तौर पर नजराना बेगम पर भी 2000 रुपये का सीएमएस मित्रा ने आरोप लगा दिया। दरअसल देखिएगा इस रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं मरीज और तीमारदार। आपका क्या नाम है? गुलाब शेर। क्या हुआ आपके बच्चे का? क्या नाम है? सालिम। क्या हो गया आपके बच्चे को? ये कितनी बड़ी जिला अस्पताल के रामपुर के अंदर लापरवाही है कि जो बच्चा डायरिया हो गया है? सरकारी नौकर बनने में हमें बैंडेज कभी यहाँ से क्यों नहीं मिलती? हम तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमें कभी भी कोई आता था यहाँ से नहीं मिलता बैंडेज, क्यों नहीं मिलता? हमें नहीं मिला तो आप लोगों को क्या मिले? सर मैंने आपको फोन किया था, आपने आप लोगों आपको सब जगह देखा गया, आज दिन से मेरा परिवार ही नहीं सच्चे, आप नहीं मिले, दूसरा भी डॉक्टर नहीं मिला। आप मुझसे इस तरह की बात मत करिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ। उसने 2000 रुपये लेके आपसे दलाली करके मरीज को भगा दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं एक मरीज को ऑपरेशन के लिए आप लेके आ रहे हैं। छानवी बीबी का नाम है, फरहत अली नाम मेरा, ताकि हमारा शाम रहता है, घाट का ऑपरेशन होना बस पड़ गई उनके सीने पे, कल तो सीख रही हैं वो। तो क्या परेशानी हो रही है भाई उनकी? ये परेशानी वो देखभाली नहीं है, कल भी रक्षण लगवाया तो 800 रुपये का रक्षण लगवाया, बाहर से लिख कर दिया, यहाँ 400 रुपये लिए डॉक्टर साहब ने, बोला 400 रुपये का हमारे पास, हम दे देंगे 400 रुपये का, बाहर बोला 800 रुपये का है, बाहर 800 का था, इन्होंने 400, इन्होंने 400 का दिया हॉस्पिटल के अंदर 400 रुपये का इंजेक्शन फ्री में भाई। जी शिकायत हमें किसी से कोई मिला नहीं, हमें शिकायत। नाम धर्म सिंह है, मैं धमोरे का रहने वाला हूँ, मेरी टाइम मैंने बी फार्मा कर रहा हूँ, मैं ANA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च बरेली से, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया था, तो पहले मैं आया तो शकील सर छुट्टी पर थे जो यहाँ के CMS हैं, तो मैं फिर वापस चला गया, मेरा वहाँ से आने में 100 रुपये का पेट्रोल लगता है करीब, फिर मैं आया तो मुझसे कहा गया कि आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर CMO सर के पास जाइए, वहाँ आपकी सुनवाई होगी, वहाँ से उनके साइन करा के लाइए। मैं वहाँ गया तो वहाँ से मुझे यहाँ के लिए भेज दिया गया कि जाइए आपके CMS करेंगे जो शकील सर हैं। मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने कहा कि आपका यहाँ नहीं होगा, आप जाइए यहाँ पे रुक जाइए, करीब मुझे एक हफ्ते तक ऐसे ही इन्होंने लोगों ने इधर उधर घुमाते रहे। फिर मैंने और बच्चों से पता किया कि आप किस थ्रू आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा हमने 5,000-5,000 रुपये यहाँ पर डिपॉज़िट किए, इन्होंने सर ने मांग की, तब हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जा रही है, अब बताओ हम कहाँ से। मेरा नाम नजराना बेगम है, मानवाधिकार से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज अधिकारी आए थे, हमने उनसे शिकायत की है, एक बच्चे को तो उन्होंने अभी एडमिट कराया है, 3 बच्चे ऐसे और हैं जो बरामदे में पड़े, उनको एडमिट ही नहीं किया है यहाँ, ना तो डॉक्टर हड्डी का है सही वाला, और ये जो है डॉक्टर मित्रा ये दलाली कर रहे हैं, यहाँ पैसों की डिमांड है, रिश्वत खुलेआम लेते हैं तब काम होता वरना काम नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि हम जैसे लोग यहाँ परेशान हैं, ये घर पे भी देखते हैं, घर पे इनकी फीस है 700 रुपये, घर पे फीस लेंगे और यहाँ से दवाइयाँ देंगे डॉक्टर मित्रा MS जी CMS, और हम CMO करने चले जाते हैं तो वहाँ से वो CMO जो है हमें दवाइयाँ वाइयाँ सब फ्री देते हैं, हमारा ट्रीटमेंट कराते हैं। CMO बहुत अच्छे हैं, CMS बहुत बुरे हैं, इनका पेट भर चुका है, अभी यहाँ से बहुत कमाई कर ली है इन्होंने, इसलिए किसी आम जनता को जनता नहीं समझते, ना हाई फाई आदमी, जब इनके कहने कोई बड़ा नेता आता है तभी उनको दवाइयाँ सारी चीज़ें निकाल के देते हैं। ये बच्चा फिर ये इसकी शिकायत है, इससे 3 दिन 1 हफ्ते से
15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, तीन डॉक्टरों ने 5,000 रुपए मांगे, ये बच्चा कहाँ जाएगा? ये ट्रेनिंग के लिए आया, ट्रेनिंग कराने के लिए 5,000 रुपए तीन जगह देगा तो ये पढ़ाई करके आए, किसान का बच्चा कहाँ? ये आपको इसका हुलिया दिखता है कि 15,000 रुपए इनको देगा और ट्रेनिंग करेगा? अब ये बताओ, दोनों डॉक्टर हड्डी के हैं, जब यहाँ टूटे फूटे हड्डी वाले पड़े तो कौन जाएगा देखने के लिए? यहाँ से हम जैसे लोगों को बैंडेड नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, तो ये बताओ आम जनता को क्या मिलेगी, क्या सुविधाएं? जो यहाँ मेडिकल की दवाइयाँ आती हैं या सरकारी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए आती हैं दवाइयाँ, बैंडेड आती हैं, जो फैसिलिटी आती है ये यहाँ के CMS मेडिकलों पर भेज देती हैं उन चीज़ों को, फिर हमें वहाँ से लिख के देते हैं, हमें मोल खरीदना पड़ती है। देख लें आप कितने लोग परेशान हैं यहाँ पर, तीन तीन चार चार दिन से लोग यहाँ मौजूद हैं, ट्रेनिंग के लोग लिए आ रहे हैं। आज भी मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सब देखें पैर में चोट वोट लगी, अभी मैंने सब ड्रेसी वगैरह कराई, सब मेरे पैरों वैरों में चोट लगी हुई है, अभी ड्रेसी कराइए, और मुझे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने 2,000 रुपये दलाली लिए, मैं जानता हूँ आपको, दलाली तो खुद कर रहे हैं वो बैठे हुए, ये मित्रा डॉक्टर मित्रा हड्डी वाले, ये देखें 5,000 रुपये ट्रेनिंग के लिए बच्चों से, जो बच्चे तीन चार दिन से फिर रहे हैं, एक हफ्ते से लिए हुए अपने पेपर पढ़ाई लिखाई करके, मजदूर ये बच्चा एक में चले जाते हैं, ये बच्चा इस काबिल है कि रिश्वत भी देगा और पढ़ाई भी करेगा? ये बच्चे का इस हालात का है किसान का बच्चा कि ये रिश्वतें भी देगा, हॉस्पिटल मैन की ट्रेनिंग की और पढ़ाई करके भी आएगा? इससे 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, तीन बार मांगे गए 5,000 और दो तीन दिन से छुट्टी पे, ये बच्चा आगे पीछे फिर रहा मित्रा के, उन्होंने कहा पैसे लाओगे तो होगा वरना नहीं। छोटी हो या बड़ी हर खबर मिलेगी आपको यहाँ पर। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, में हूँ आपके साथ खान उबैद यूनुस। आपको ये खबर हमारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और हाँ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली खबरें आपसे कहीं छूट ना जाएं। बने रहें खबरों के लिए आप मेरे साथ।